हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 31 टेक। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको अच्छे से पता होगा कि यूट्यूब पर एड्स से अर्निंग होती है। जब भी आपके चैनल की वीडियोस के ऊपर एड्स चलती हैं तो उससे आपकी कमाई होती है। लेकिन आप में से ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि यूट्यूब पर कमाई करने के और भी कई तरीके हैं, जैसे सुपर चैट है। जब भी कोई आपको सुपर चैट भेजता है तो उससे आपकी कमाई होती है। और एक ज्वाइन बटन है जिसमें जब भी कोई आपके चैनल को पैसे जमा करा के ज्वाइन करता है तो उसमें से 30% यूट्यूब को और 70% आपको मिलता है। तो ज्वाइन बटन से भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इंक्रीज होती है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ज्वाइन बटन की सारी सेटिंग्स क्या हैं और इसे कैसे इनेबल करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज्वाइन बटन जो है वो छोटे चैनल्स को कैसे मिलता है और ज्वाइन बटन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सारे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ज्वाइन बटन आपको मिलता है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो शुरू से लेके लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें मैं सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें और उसे ऑल पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वाइन बटन उन्हीं चैनल्स को मिलता है जो मोनेटाइज होते हैं। तो आपके चैनल जो है वो मोनेटाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही ये सर्विस आपको मिलती है। तो मैं आपको अब सारे डिटेल में बताता हूँ कि इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया हैं एलिजिबिलिटी के। तो सबसे पहला है वो है 1000 सब्सक्राइबर। आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। नंबर 2, आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होना चाहिए, मोनेटाइज चैनल पे ही आपको ज्वाइन बटन मिलेगा। नंबर 3 है, आप जिस कंट्री में रहते हैं, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री में ये फीचर होना चाहिए। जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मेरे यहाँ पे ये फीचर है क्योंकि आपको मेरे नीचे चैनल के साइड में भी मेरा नाम है जो चैनल का, उसके सामने आपको ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा। नंबर 4, आपके पास कम्युनिटी टैब जो है वो इनेबल होना चाहिए, मतलब वो आपको मिला होना चाहिए। कम्युनिटी टैब में हम अपनी कोई भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 है, आपके जो चैनल की वीडियोस हैं वो मेड फॉर किड्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कोई भी वीडियो मेड फॉर किड्स आपने सेट कर रखी है तो आपको ये ज्वाइन बटन नहीं मिलेगा। और नंबर 6, आपके चैनल के ऊपर म्यूज़िक क्लेम नहीं होना चाहिए, जो भी आपकी वीडियोज़ हैं उनके ऊपर म्यूज़िक क्लेम नहीं आना चाहिए। इसके बाद लास्ट में नंबर 7 है, अगर आप गूगल एडसेंस यूज़ नहीं करते, एमसीएन यूज़ करते हैं, MCN का मतलब है मल्टी चैनल नेटवर्क, या आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं इसको डिटेल में। अगर आप ये यूज़ करते हैं एडसेंस की जगह, तो MCN को एग्री होना चाहिए इनके नियम और शर्तों को जब भी आपके चैनल के ऊपर जो है ज्वाइन बटन अनेबल होगा। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स डिटेल में बताए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।